हाँ जी, ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो जरा, एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, एक्सरसाइज है 5.7। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। वाई क्या है? कॉस इनवर्स एक्स, और आपको फाइंड करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इन टर्म ऑफ वाई अलोन, आंसर आपका वाई की टर्म में होना चाहिए। इन टर्म ऑफ वाई अलोन कैसे करेंगे? तो पहले से सिंपली डेरिवेट कर दे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दे। देखो हमें, क्योंकि आंसर सिर्फ वाई में चाहिए, आंसर में एक्स नहीं होना चाहिए, सो हम एक काम करते हैं, कॉस को इधर लिख देते हैं। कॉस वाई, कॉस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन माइनस साइन माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 1। देखो एक्स को अकेला रखने से एक्स खत्म हो गया, सिर्फ वाई की टर्म बची हुई है। अब जब हम इसको आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई की टर्म्स ही आएंगे आंसर में। -1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है, सॉरी साइन वाई नॉट एक्स, तो ये हो गया माइनस ऑफ कॉसिकेंट वाई, माइनस ऑफ कॉसिकेंट वाई। अब अगर आप इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, माइनस कॉसिकेंट वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कॉसिकेंट वाई इंटू कॉट वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स। रिया कैमरा ऑन करो बेटा। रिया, रिया कुछ नाराज है क्या? ईशा, रिया कुछ नाराज है? सर, आई थिंक उसका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ अभी। अच्छा सो क्या आ गया बच्चों यहाँ पर? माइनस ऑफ कॉसिकेंट वाई कॉट वाई, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, बताओ जरा। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस ऑफ कॉसिकेंट वाई, ठीक है। सो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। कॉसिकेंट एंड कॉसिकेंट मिलके हो जाएगा कॉसिकेंट स्क्वेयर y इंटू कॉट वाई, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। सॉरी फॉर जॉइनिंग अ लिटिल लेट, एक आई मिनट, गॉट वर्किंग। हाँ बच्चों, ये हो गया क्या? रिया को समझ आया ये?
रिया हमें डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइंड करना था और इन टर्म वाई अलोन फाइंड करना था, वाई की टर्म में ही फाइंड करना था, एक्स में नहीं होना चाहिए आंसर। तो हमने क्या किया, एक्स को अकेला रख दिया ताकि एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाए, जब एक्स का डेरिवेटिव होगा तो वन हो जाएगा और एक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको। इसको डिफ्रेंशिएट किया, कॉस वाई का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस वन अपॉन साइन वाई, दैट इज माइनस ऑफ कोसेकेंट वाई। ठीक है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या आ जाएगा हमारा, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो एज इट इज रहेगा। और कोसेकेंट का क्या होता है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या यहाँ पर, कोसेकेंट का खुद माइनस कोट होता है ना, माइनस कोसेकेंट इंटू कोट होता है, एक माइनस यहाँ पहले भी है, तो ये प्लस हो जाएगा ना। ये प्लस होना चाहिए था। ठीक है, तो ये प्लस होगा, राइट। एंड फिर वाई, वाई का इंटू में डी वाई बाई डी एक्स होगा, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू हम डाल देंगे माइनस ऑफ कोसिकेंट वाई। तो फाइनली क्या हो जाएगा, कोसिकेंट वाई इंटू कोसिकेंट वाई, कोसिकेंट स्क्वेयर वाई इंटू कोट वाई, ये आपका आंसर तो होगा। ये अब नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर वाई नहीं होगा। हाँ फाइनली, नहीं ये नेगेटिव हो जाएगा इस माइनस की वजह से। चलो 13th क्वेश्चन पे आ जाओ। 13th में क्या है, वाई इज इक्वल टू 3 कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन ऑफ लॉग एक्स। 3 cos log x + 4 sin log x। ठीक है, देखो जरा क्या करोगे इसको डिफरेंशिएट, और प्रूव क्या करना है वो आप बुक में रीड कर लो बेटा। प्रूव आपको करना है x² (y)² + x (y)(1) + y = 0। ये y1 क्या है यहाँ पर, y1 y2 तो क्या है, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन और वाई टू ऑर्डर मिडिल डिफरेंशिएशन, ऑर्डर। y2 है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है, करो जरा इसको डिफरेंशिएट, डी वाई अपॉन डी एक्स 3 cos का हो जाएगा बच्चों माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स। रिया रिया बहुत कैसा? ज्यादा तो नहीं हो रहा है रेगुलर क्लास, नो सर। पता नहीं आज राजेश सर बहुत गुस्सा थे सुबह में से, कह रहे थे बच्चों की रोजाना क्लास 2 घंटे रख रहे हो, बच्चे परेशान हो रखे हैं। मैंने कहा जी ड्यूटी भी तो आने वाला है, यस बट थोड़े ज्यादा ही नाराज हो रहे थे सर आज। देखो बच्चों उसके बाद क्या करेंगे, -3 sin log x (1/x) + 4, ये हो गया cos log x, फिर log x का करेंगे पाने, समझ आ गया बेटा। सर। अब x को हम राइट हैंड साइड से कॉमन ले लेंगे 1/x को, और उसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x(dy/dx)। ये समझ आया आपको, ये x(dy/dx) कैसे हुआ, तो राइट में हमारे पास बचेगा -3 sin log x + 4 cos log x। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दो, x(d2y/dx)(x)(d2y/dx)(2) + ठीक है, इस पे प्रोडक्ट 2 लगेगा, x(dy/dx) पे प्रोडक्ट 2 लगेगा, तो x एज इट इज dy/dx का किया d2y/dx)(2) + अब x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, dy/dx एज इट इज रहेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में -3 sin का डेरिवेटिव करेंगे तो cos हो जाएगा, cos log x (1/x) + 4 cos का हो जाएगा -sin log x (1/x). सो हो जाएगा x(d2y/dx)(2) + दिस, ठीक
ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड से फिर से एक्स कॉमन ले लेंगे और माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो राइट हैंड साइड में बाकी क्या बचेगा, 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, एक्स को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, x² d2y/dx2 प्लस x(dy/dx) इज इक्वल टू माइनस। बच्चों ये क्या है जरा देख के बताना, ये क्या है, ये टेस्ट हमको क्या लिख सकते हैं हम, अपने क्वेश्चन में देखो उससे मैच वाई करने की कोशिश करो। हाँ ये वाई कंप्लीट टर्म वाई है, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे माइनस वाई। अब वाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, ठीक है, सो इजीली आपका ये प्रूव हो जाएगा, करेक्ट कीसा हो गया बेटा ये। यस सर। रिया तो हो बच्चों गया इसमें आप पहले dy/dx फाइंड करो, फिर d2y/dx2 फाइंड करो, और जो फिर जो शो करना है उसकी LHS में डालोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होगी, बल्कि आप ये इस टाइप से करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन आपकी कम रहेगी। ठीक है, 14th क्वेश्चन लिखो बच्चों। फर्स्ट डेरिवेटिव यही होगा बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये समझ आया है या मैं इसको एक्सप्लेन करूं बच्चों? पान्या आगे समझ। यस सर आगे। अच्छा, इसमें बच्चों डायरेक्टली तो हम प्रूव कर नहीं पाएंगे, ठीक है, तो जो शो करना है उसके LHS में हमें वैल्यूज डालनी होंगी, उसको सिंप्लीफाई करके हम RHS के 0 के इक्वल प्रूव करेंगे। ठीक है, सर एक सेकंड, आप d2y/dx2 एक बार ही समझा दोगे? देखो बेटा a कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेंगे, डेरिवेटिव किसका होगा, e^(mx) का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, e^(mx) का क्या, e का डेरिवेटिव क्या होता है, e एज इट इज रहता है जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये एज इट इज रहा, इनटू में पावर का डेरिवेटिव होगा, mx का डेरिवेटिव होगा, mx का डेरिवेटिव होगा बेटा m(1), एम तो 1 m और आ जाएगा, 1 m और आएगा तो ये m m² बन जाएगा। ठीक है सर, गॉट इट। सिमिलरली यहां पर भी b एज इट इज रहेगा, n एज इट इज रहेगा, e^(nx) का डेरिवेटिव होगा, तो e^(nx) का तो e^nx ही एज इट इज रहता है, इनटू में पावर का डेरिवेटिव होगा n(x) का, तो वो n(1) हो जाएगा, सो 1 n और आएगा तो ये n n² बन जाएगा। ठीक है सर, गॉट इट। ठीक है, अब जो हमें शो करना है उसकी LHS में वैल्यूज डाल दो।
वैल्यूज डाल दी बच्चों? यस ठीक है, सिंप्लीफाई करें जरा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ऑफ ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स माइनस ऑफ बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, देन एन मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, एन सॉरी ए एम एन। यस जो बेटा, एम टर्म है उसमें आपने वाई की वैल्यू जो हमने क्वेश्चन में वो डाली है ए रे हाँ बेटा, पार वाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में थी वो डाली है, ठीक डाली है ना। यहाँ डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू मैंने गलत तो नहीं डाल दी ना, ठीक डाली है, चेक कर लेना एक बार पीछे से, क्योंकि मेरा पेज चेंज हो गया था। आई थिंक ये सारे कैंसिल होने चाहिए। यस सर तो ए एम स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, एम स्क्वायर की टर्म है हमारे पास, यस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बी एन स्क्वायर ई एक्स, बी एन स्क्वायर ई एक्स ये इससे कैंसिल होगा, बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स, तो बी एम एन ई टू द पावर एन एक्स ये वाला इससे कैंसिल होगा। ठीक है, एंड ये वाला इससे कैंसिल होगा। सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू, ठीक है। चले बच्चों आगे, यस सर चलो 15th क्वेश्चन लिखो बच्चों। देखो खुद से करो, मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो आप डिवाइड बाई डी एक्स, पहले एक क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से बच्चों। वाई जी को पाने हो गया ऊपर वाला सम बेटा, यस सर चलो पाने बताओ डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका। तो 500 e रेस टू द पावर 7x इनटू 7 प्लस 600 e रेस टू द पावर -7x इनटू -7 ठीक है, बाकी बच्चों ने कर लिया ये? यस सर ओके okay। ईसा सेकंड डेरिवेटिव बताओ बेटा क्या आएगा। सर इसका होगा 500 ई 7 ई टू द पावर 7x इनटू 49 7 स्क्वेयर हो जाएगा, तो इनटू में 1 7 और आएगा, तो 7 7 मिलके 49 हो जाएगा। गुड, शाबाश। नेक्स्ट, प्लस 600 ई टू द पावर -7x इनटू 49 में -7 और आएगा, तो पहले वाले -7 से मिलके +49 हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, लिखो ये स्टेप। रिया कर लिया बेटा आपने? हाँ, यस सर हो गया अब राइट हैंड साइड से 49 कॉमन ले लो।
हो गया बेटा प्रूव? यस सर। यस सर। रिया आपका हो गया बेटा? यस सर, मैंने पहले ही कर लिया था। ओके, 16th वाला करो जरा। 16th में देखो क्या करना है, e टू द पावर y इनटू x प्लस 1, e टू द पावर y इनटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्या फाइंड करना है आपको? ये प्रूव करना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। क्या करोगे बच्चों बताओ जरा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे या कुछ चेंज करोगे? रिया आई डोंट नो, आई डिडंट गेट दिस क्वेश्चन। पान्या सर हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ, इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो बच्चों, या एक्स प्लस वन को आप राइट हैंड साइड में भी नीचे लेके जा सकते हो, उससे भी कर सकते हो। चलो डायरेक्टली ट्राई करते हैं, ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल लगाना है बच्चों। तो ई टू द पावर वाई का क्या हो जाएगा, ई टू द पावर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस वन एज इट इज रहेगा, प्लस उसके बाद क्या करेंगे, e टू द पावर वाई एज इट इज रहेगा और x प्लस वन का करेंगे तो वन हो जाएगा। एंड बच्चों राइट हैंड साइड में क्या है, वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से e टू द पावर वाई कॉमन ले लो, बचेगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू प्लस में वन इज इक्वल टू जीरो। यहां से आएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, सो आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आपका आएगा माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, ये आएगा। सर डी वाई बाई डी एक्स कैसे आया हूँ? क्या बेटा? सर अच्छा नहीं, गॉट इट गॉट इट। डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वन, वन को हम राइट साइड में लिख देंगे और फिर एक्स प्लस वन नीचे चला जाएगा। यस सर गॉट इट। माने आपका हो गया। यस, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन टू द पावर माइनस वन। सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन टू द पावर, पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, पावर माइनस वन आएगा आगे आएगा तो ये प्लस वन हो जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, है ना। इसको आप लिख सकते हो वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये समझ आया आपको, वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कैसे लिखा? अच्छा देखो बच्चों, ए का स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर बराबर होते हैं, हम इसके जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाना है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ पर माइनस वन अपॉन दिस क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। हो गया पान्या, कीसा, रिया? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों जरा। वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। पान्या, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? अच्छा जो प्रूव करना है उसको एक बार रीड करो बच्चों, क्या प्रूव करना है, अच्छे से रीड करो उसको,
देखो क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इंटू वाई टू, वाई टू मतलब डीवाई बाई डी, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन, वाई वन मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू, ये हमें प्रूव करना है। रिया बताओगे कैसे करेंगे? नहीं आया समझ। ओके पान्या आपको पता है बेटा? तो पहले डीवाई पर डीएक्स निकालेंगे। हाँ फर्स्ट तो हम डीवाई बाई डी एक्स, सिंपल डीवाई बाई डी एक्स ही फाइंड करेंगे। तो बच्चों इसका डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करो पहले, क्या होगा डीवाई बाई डी एक्स इसका पाने बताओ। तो टू टैन इनवर्स एक्स, पावर आगे आ जाएगी बच्चों, पावर एक काम हो जाएगी इनटू वन अपॉन वन इनटू जो पावर के नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव करेंगे, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे जो क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। राजेश सर कहते हैं मुझे कि आप बड़ा सीरियसली पढ़ाते हो, बच्चों बच्चे बोर हो जाते हैं, ऐसा है क्या? नो सर, नो सर। नहीं राजेश सर कई बार कहते हैं मुझे ये चीज कि बहुत सीरियस क्लास लेते हो, मैंने कहा मैं तो इतना बोलता रहता हूँ बीच में। चलो इसके बाद देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन जो प्रूविंग वाले हैं ना, जैसे इसके प्रूविंग पार्ट में आपने देखा कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन वाई वाई टू डिवाइड बाई डी एक्स और इनके साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो वो तो सब हम शिफ्ट इजीली कर लेंगे, है बेटा। शिफ्ट कर लेंगे वन प्लस एक्स हाँ स्क्वायर। वन प्लस एक्स स्क्वेयर को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर दें तो ऑब्वियसली डिवाइड बाई डी एक्स के साथ वन प्लस एक्स स्क्वेयर टाइप की टर्म्स क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इस वन प्लस एक्स स्क्वेयर को आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, सो वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। लक्ष्मी सिंह का जो बैक एक्सरसाइज बेटा उसका एक पार्ट पूरा कर लो और थोड़ा जिसमें लिखने वाली चीजें वो लिख के करो। वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी वही बाहर है, अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप प्रोडक्ट टूल अप्लाई करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू। जब हम लोग बच्चे छोटे थे तो क्या होता था कि जो घर में बड़ा भाई बहन होते थे ना, जैसे घर में बड़ा भाई है, जब उसके कपड़े छोटे हो जाते थे तो मम्मी पापा ना वो कपड़े मम्मी रख देती थी हमारे लिए, लाइक छोटे वाले के लिए कि ये छोटे हो गए इसको छोटे वाला पहन देगा। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है, हमारे टाइम में होता था। तो अब वो सेम सिचुएशन आई एम फेसिंग अगेन। परीक्षित अपने रफ रजिस्टर यूज, वो रजिस्टर यूज करता है और आधे आधे जो रजिस्टर बच जाते हैं ना वो मुझे यूज करने पड़ते हैं फिर, जबकि मुझे ऐसे वाले रजिस्टर में लिखने में बहुत दिक्कत होती है, बट वो हाफ रजिस्टर उसके लास्ट ईयर के रह गए, अब वो तो यूज करेगा नहीं। मैं उसको बोलता हूँ बेटा रफ में यूज कर ले तो वो उसको करना नहीं, तो वो मुझे यूज करने पड़ते हैं। तो लाइक सेम सिचुएशन इज रिपीटिंग अगेन। वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस, बताओ क्या होगा? टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू टू इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या होगा? अब इसको हम लेफ्ट साइड में फिर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। बस हमें यही प्रूव करना था, टू को लेफ्ट में लाने की जरूरत नहीं है, समझ सर आ वो गया बच्चों? जो ऊपर वाले इक्वेशन में 2x इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो dy बाय dx होगा ना, ना कि d2y बाय ये डी dx। टू वाई बाई डी एक्स टू नहीं, ये डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, करेक्ट, ठीक है।
और अगर इसको आप इस टाइप से करेंगे तो देखो हमारा 3 to 4 steps में ये सब कंप्लीट हो गया। लेकिन बच्चों अगर आप dy by dx फाइंड करेंगे, फिर d2y by dx2 नॉर्मली फाइंड करेंगे, फिर वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे, देन उसको प्रूव करेंगे, तो काफी लेंदी सम हो जाएगा। वैसे नहीं करना है, इस टाइप के जो सम्स होते हैं उनको ऐसे ही प्रूव किया जाता है। करेक्ट। एक दो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों इसमें पीछे। एग्जाम्पल 41 पे आ जाओ बच्चों जरा। हमारी बुक में एग्जाम्पल 38 है। अच्छा, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल 38 है। ठीक 38 है। ओके चलिए, आप अपनी बुक के हिसाब से नंबरिंग डाल लो बच्चों। वन माइनस है। एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये है, ये आपको प्रूव करना है। रिया कैसे करेंगे? फर्स्ट तो बच्चे तो नॉर्मली सबसे पहले डिफरेंशिएट हम करना है। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद इसका आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, हाँ, फिर उसके उसको बाद जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वन माइनस एक्स डिफरेंशिएट स्क्वेयर करेंगे। है ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हम लेफ्ट में ले जाएं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1। ठीक है। आप देखो वैसे तो देखो काम हो गया आंटी का पूरा, गई आंटी काम पूरा हो गया। हाँ, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो बच्चों जरा। छोड़ दिया एक और आंटी ना। अच्छा, ये आएगा बच्चों यस सर। लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लो। लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लो।
पर मेरे को समझ नहीं आया एलसीएम क्या लिया और कैसे सॉल्व किया। देखो बेटा, ये पिछले पेज पे जो था ये समझ आ गया था। यस सर। ओके देखो, जरा तो मां माइनस क्यों होना चाहिए? एक मिनट दो बेटा। माइनस एक्स डी वाई बाय हाँ, माइनस एक्स था वहां पर। ये था ना हमारा, ठीक है। एलसीएम लोगे, यहाँ वन है, यहाँ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एलसीएम कितना आएगा? अंडर रूट वन माइनस ठीक है, तो यहाँ वन से इसको डिवाइड करोगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, वो है वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज रहेगी, इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, माइनस यहाँ पर क्या आएगा, ओनली एक्स आएगा, ठीक है, क्योंकि आप इससे एलसीएम को डिवाइड करो तो वन आएगा, वन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ओनली एक्स आएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये समझ आया बेटा? यस अब सर। इस डिनोमिनेटर को लेफ्ट राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर ओके जीरो हो जाएगा, परफेक्ट। सो वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, अब रहेगी बच्चे हमारे पास 5.5 पर मिसलिनियस। कहाँ आपने 5.5 कहाँ तक कर ली थी बेटा? तो हमने 5.5 में बहुत पॉइंट देखे। हमें 12 से 18 करना था, हमने 11 तक कर लिया था। अच्छा, 11 आपने किया था? 11 में करो, क्लास में तो नहीं हुआ था 11 तो। आपने 11 घर के लिए दिया था ना मुझे? आप अभी एक दो एग्जांपल ट्राई करो, एग्जांपल 33 ट्राई करो आप, ठीक है। तब तक मैं इन दोनों बच्चों को एक बार ये स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। Example 33 मेरे बुक में सर x इज इक्वल टू a थीटा साइन थीटा वाला है, तो आप ये कर लो। ये वाला क्वेश्चन ढूंढो आपकी बुक में, कहाँ है? एक्स टू द पावर हुआ वाई टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर एक्स, ये इस क्वेश्चन है आपकी बुक में? एक्सरसाइज से जस्ट बुक पहले में वाला एग्जाम्पल एग्जाम्पल। 30 है, 5x30। यस हाँ, आप ये वाला क्वेश्चन करो, तब तक मैं एक बार 5.5 स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 5.5 में क्या है, अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, तो इसमें एक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है, और पावर 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो ये था वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, या फिर हमने क्वेश्चन ऐसे किए हैं कि ए टू द पावर एक्स, इसमें ए कांस्टेंट है और एक्स उसकी पावर है, वेरिएबल वेरिएबल पावर है, ठीक है। या हमने क्वेश्चन किया ई टू द पावर एक्स, जिसमें ई एक कांस्टेंट नंबर है और उसकी पावर वेरिएबल है। तो अभी तक हमारे पास ई की वेरिएबल होता था, या तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता था या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता था। ऐसा हमने कभी नहीं किया कि वाई इज इक्वल टू वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो, ऐसा हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं,
y is equal to variable to the power variable. जैसे for example y is equal to x to the power x ले लेते हैं. इसमें बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, पता है बच्चों? देखो ऐसे क्वेश्चंस को किया जाएगा बच्चों विद द हेल्प ऑफ लॉग. लॉग में तीन प्रॉपर्टी मैंने एक बार पहले भी बताई थी है. लॉग में तीन प्रॉपर्टी होती हैं, लॉग ऑफ एम इंटू एन. लॉग एम इंटू एन क्या होता है? लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन. लॉग ऑफ एम अपॉन एन क्या होता है? लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन. एंड लॉग ऑफ एम टू द पावर एन, एन लॉग ऑफ एम. और एक और प्रॉपर्टी भी, हाँ यही वाली प्रॉपर्टी. तो फिर लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, फिर एक्स नीचे आ जाएगा, फिर एक्स लॉग एक्स हो जाएगा वो. बेटे लॉग ऐसा नहीं बोलते, लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लॉग मल्टीप्लाई नहीं है वो. ठीक है, हम दोनों टर्म्स का लॉग ले रहे हैं. तो वी विल से लाइक दैट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. लॉग में मल्टीप्लाई वर्ड यूज मत करना. ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग वाई और राइट हैंड साइड में हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स. ठीक है, अब लॉग की जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसका यूज करो आप, कि जो पावर है उस पावर को हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं. सो लॉग वाई क्या हो जाएगा इससे? लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, करेक्ट? अच्छा, लॉग वाई का रियल डेरिवेटिव क्या होगा? अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे. हाँ बताओ बेटा, लॉग वाई का डेरिवेटिव फिर से बोलो. 1/y. क्वेश्चन अब हमारे पास है लॉग वाई, लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स. लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y. अब क्योंकि साथ में यहाँ वाई भी है तो वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव. हाँ, इसमें प्रोडक्ट टू लगाएंगे, एक्स एज इट इज रहेगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव होगा 1. ठीक है, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, वाई इंटू एक्स को एक्स से कट कर देंगे 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज रहेगा. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा वाई की वैल्यू क्या थी बच्चों जरा बताओ? एक्स टू द पावर एक्स, तो ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स. ठीक है, ऐसे करेंगे हम. कैसा समझ आया बेटा ये? यस सर. एक और क्वेश्चन लिखो बच्चों, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, जरा ये करके दिखाओ कैसे होगा. पानी आपका सम हो जाएगा बेटा. यस सर, 2 सेकंड और बस से खत्म हो गया. यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू तीन टर्म है उसमें, यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू ले लेना, या तो मैंने पी प्लस क्यू प्लस आर लिया है. हाँ वो भी ले सकते हो. हाँ, और फिर 4 टर्म को टी और, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका 0 आएगा बिकॉज़ वो कांस्टेंट बेस नहीं है. डायरेक्टली उसमें dt / dx निकाल देना, वो ऐसे 0 हो जाएगा. वो तो 0 ही है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट रेस टू द पावर कांस्टेंट है. हाँ, लॉग मत लेना उसमें.
हो गया आंसर है बेटा तो मेरा आंसर आया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन एक्स ब्रैकेट कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है। अब नहीं ये सही आंसर आया बेटा। यस सर इस टाइप से करना है। तो मैं आपको एक सेकंड भेज रही हूँ मैंने जहां तक सॉल्व करा है उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है एक बार बता हाँ दो ब्रैकेट। आंसर एक सेकंड अच्छा एक तो इस टाइप से होगा बच्चों, और एक जब बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर में इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड आ जाएं, कॉम्प्लिकेटेडली आ जाएं, तब भी हम लॉग ले सकते हैं। हाँ पाने ब्रैकेट खोलने पड़ेंगे बेटे इसमें। डीपी लास्ट बाई डी तभी डी वाई बाई डी एक्स आएगा हाँ तभी डी वाई बाई डी एक्स आएगा क्योंकि ना। ओके सर इम्प्लीसिट। कर फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों जरा। y इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, लॉग वाई क्या होगा? तो हम इसमें लॉग क्यों ले रहे हैं जब बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में हो बेटा, या डिवाइड में हो, फ्रैक्शनल पावर हो, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ जाए तो वो लॉग की हेल्प से इजी होता है। अब इस क्वेश्चन में आप तीन का प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, ठीक है? तो तीन के प्रोडक्ट रूल लगाने से भी हो जाता है। तीन टर्म मल्टीप्लाई में है, अगर आप उसमें तीन टर्म्स का प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो वो हो जाएगा, बट ये लॉग से और थोड़ा सिंपल हो सकता है, तो उसमें आपको प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। दोनों तरह से ऐसा हो सकता है। पहले इसमें आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग एम इंटू एन। ये क्या होता है? लॉग एम इंटू एन लॉग ऑफ एम प्लस प्लस लॉग, लॉग तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस टू एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस थ्री एक्स। उसके बाद डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा? तीसरा बताओ इसका डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा? सर इसका होगा 1y इनटू वन वन अपॉन अपॉन वाई वाई इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स प्लस 1 बाय कॉस 2x सर एक मिनट बेटा इसमें कॉस देखो। एक्स हाँ डिफरेंशिएट लॉग ऑफ कॉस एक्स में वन अपॉन कॉस एक्स होगा, फिर कॉस का भी होगा, दैट इज माइनस ऑफ नेगेटिव साइन। साइन है प्लस 1 बाय कॉस 2x इनटू -2 sin 2x प्लस 1 अपॉन कॉस 3x इनटू -3 sin 3x इनटू में यह टू भी आएगा और इनटू यह थ्री भी आएगा बेटा, सर ठीक वो है? करके ही 3 sin 3x बोला अच्छा आपने थ्री बोला था, मैंने सुना नहीं। ओके वाई इधर राइट, वाई को राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे और वाई की वैल्यू डाल देंगे, तो वाई की वैल्यू क्या है? कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स। वाई को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे और वाई की वैल्यू डाल देंगे, और माइनस को भी हम कॉमन ले लें अगर, तो अंदर हमारे पास बचेगा साइन अपॉन कॉस। पर इसमें हम टैन के पीछे ठीक है सर साइन अपॉन कॉस को लिख देंगे टेन एक्स, यहाँ पर साइन टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स क्या हो जाएगा? टेन टू एक्स, तो ये हो जाएगा टू टेन टू एक्स। यहाँ पर साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस थ्री एक्स, टेन थ्री एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा थ्री टेन थ्री एक्स।
ठीक है, इसे डाउट है बेटा? सर तो हमने कॉमन कैसे लिया वो कॉस एक्स माइनस माइनस तीनों में है ना बेटा, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो माइनस ओके कॉमन ले लिया। ठीक है सो ये मेरा तो आंसर एक मिनट पाना, एक मिनट बस, ये हमने कॉमन नहीं लिया, ये तो हमने वाई को राइट में फाइव लिया मल्टीप्लाई था की, हाँ वाई की वैल्यू परफेक्ट डाल दी। क्लियर है? हाँ पान्या बोलो बेटा। तो मेरा आंसर आ गया बस मैंने एक चीज नहीं करी है वो एक्सपोनेंट्स में जाके माइनस करके नहीं दिखाया है तो अगर मैं ऐसे छोड़ूंगी तब भी चलेगा या उसमें माइनस करके दिखा दूँ बाय जैसे बुक बेटा माइनस, जो आपने ठीक एक्स टू द पावर वाई वाले में है ना, वाई के एक्स की पावर वाई माइनस वन हो जाएगा वहां पर, हाँ और ऐसे बस ही नीचे वाई की पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा। लिख के पढ़ा यस दो, नजर ना लगे वो दूध। सर नेक्स्ट कौन सा करना बड़ा नीट नीट एंड क्लीन ऐसे लिखते हो, है ना? अच्छी, अच्छा है, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट करना है बेटे, हमने ये वाला नहीं किया था ना, 13th वाला करो आप। एक्सरसाइज तो होती है एक्सरसाइज से आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। तो रूट क्या होता है बच्चों? हाफ पावर होता है। आप दोनों साइड लॉग इसमें लिख सकते हो। रूट को हम दूसरी साइड भी ले जा सकते हैं फिर वो वाई स्क्वायर हो जाएगा तो वोंट दैट भी इजी हो ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो, वैसे भी हो सकता है, ठीक है ना? या फिर हम ऐसा करेंगे, लॉग तो हमें लेना ही है, तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। ऐसा होता है बच्चों, देखो जरा यहाँ पर क्या हाफ पावर है, ये रूट का मतलब हाफ पावर है, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर मल्टीप्लाई में लिखी जा सकती है, ठीक है ना? लॉग की जो थर्ड प्रॉपर्टी थी कि लॉग एम टू द पावर एन को हम लिखेंगे लॉग ऑफ एन लॉग एन। ईसा ये समझ आया बेटा आपको? तो यस सर इस हाफ को हम यहाँ पावर में ना लिख के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अच्छा इसको क्या लिखेंगे रिया, ये वाला बताओ। तो इसमें हम लॉग ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू लिखते हाँ देखो बच्चों, एक बार इधर देखो जरा, जैसे ऐसा होता है लॉग ऑफ एम इंटू एन अपॉन पी इंटू क्यू, ठीक सा? यहाँ देखो बेटा एक बार, तो लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ एन प्लस लॉग ऑफ इस टाइप से टर्म है तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस एम इंटू एन माइनस लॉग पी इंटू क्यू, यही लिखेंगे इसको। एंड देन लॉग एम इंटू एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन माइनस, इसको क्या लिखोगे कीसा? सर लॉग पी प्लस लॉग क्यू लॉग पी प्लस लॉग क्यू, सो इट इज लॉग ऑफ एम, लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ क्यू। तो कहने का मीनिंग यह है बेटा कि जो ऊपर वाली टर्म्स हैं, न्यूमरेटर वाली टर्म्स हैं रिया, ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उन सबको हम प्लस में लिख देंगे, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो डायरेक्टली माइनस में लिख देंगे, ठीक है? मतलब बीच के स्टेप्स हम सारी शो नहीं करेंगे, डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट अप्लाई कर देंगे इसके। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस टू माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर। माइनस कैसे हुआ लॉग एक्स माइनस टू अच्छा सॉरी, ये प्लस होगा,
क्वेश्चन 13 मैंने भेज दिया आपको, उन्होंने पीछे एलसीएम लिया था इसीलिए उनका आंसर अलग है। हाँ आप भी एलसीएम ले लो बेटा। हाँ तो फिर वो सेम आ जाएगा, ऊपर एक्स लॉग वाई माइनस वाई हो जाएगा, हाँ बट उन्होंने वाई अपॉन एक्स कॉमन निकाला। हाँ वो एलसीएम को भी तो लिखोगे ना बेटा, एलसीएम वाई ऊपर चला जाएगा एक्स नीचे आ जाएगा। बच्चों आपने डिफरेंशिएट किया, ईसा हो गया बेटा कर रिया? यस सर, मैंने स्टेप तो कर लिया। उसके बाद वाई को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे और वाई की वैल्यू एज इट इज जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो लिख देंगे। वो करके आप 14th वाला स्टार्ट कर दो बेटा। यस सर, 13th खत्म हो गया तो आप 14th स्टार्ट कर दो। हाँ जी सर, बस हो गया 14th। ओके अच्छा सेकेंड सेम पूरा हो गया आपका, यस सर, थर्ड स्टार्ट करो बेटा। आपको समझ तो आ रहा है ना ये? यस सर। रिया इसमें क्या करेंगे बेटा? तो इसमें डायरेक्टली पहले कॉस एक्स को नीचे लेंगे, सो कॉस एक्स लॉग एक्स जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। हाँ लॉग लेके हम कॉस एक्स को नीचे ले आएंगे क्योंकि ये वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। ईसा ये समझ आ रहा है कि ये लॉग एक्स वेरिएबल होता है, कॉस एक्स भी वेरिएबल है, जिसमें एक्स इन्वॉल्व है वो वेरिएबल है। सो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो बच्चों लॉग लेंगे हम, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, एक लॉग यहाँ पर और आएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स। यस रिया कंफ्यूजन? तो इसमें हमने फिर से लॉग क्यों लिया? वी ऑलरेडी हैड अ लॉग, तो हम पावर को डायरेक्टली नीचे लाके डिफरेंशिएट भी तो कर सकते हैं। वाई की तरफ लॉग का जरूरत क्या है, और लॉग यानी कीसा रिया का आंसर दो, रिया ने जो पूछा है। सर आई थिंक क्योंकि पावर में भी वेरिएबल है, इसलिए जब पावर लाइक वेरिएबल अपॉन वो लाइक कह रही है सर वेरिएबल। लॉग पहले ही है तो कॉस को नीचे ले आओ, फिर लॉग दोबारा लॉग लेने की क्या जरूरत है? सोचो आप 1 सेकंड सोचो। पान्या आपने बेटा ऊपर से वाई कॉमन लेना है, नीचे से एक्स कॉमन लेना है। इनफैक्ट वो कॉमन ही थे, आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, कॉमन ही रखो उसको, बाहर रखो, ब्रैकेट के बाहर रखो एक वाई बाई एक्स, हाँ तो वाई कॉमन ले लिया तो फिर तो ऊपर आ मल्टीप्लाई नहीं जाएगा। करना बेटा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया वाई को ऊपर अंदर, बस उस पर ब्रैकेट लगा के इंटू में वाई लिख देना था, नीचे भी ब्रैकेट लगा के इंटू में एक्स लिख देना था, मल्टीप्लाई नहीं करना था। हाँ वही कंफ्यूजन हो गई, तो फिर अब आंसर फाइनल आंसर आएगा कि आपका वाई ऊपर वाला आंसर है, एक स्टेप ऊपर वाला, सेकंड लास्ट पार्ट ही आपका आंसर है, सेकेंड लास्ट बट स्टेप। पीछे। उसमें ऐसे लिखो बेटा आप वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स हाँ इन एक्स वाई लॉग वाई माइनस वन, लॉग वाई माइनस ये वाई अट जाएगा। मेरा गलत आ रहा है, क्योंकि उनका जो है वाई अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स लॉग वाई आ रहा है, मेरा एक्स लॉग वाई माइनस वाई आ रहा है, तो वो गलत हुआ है। एक मिनट दो, वो क्यों? आपका ये आ रहा है, ये नहीं है क्या आंसर? नहीं, आंसर पीछे वाई पहले है अच्छा नीचे भी तो एक्स और पहले होगा, हाँ
नीचे भी एक्स पहले और ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन ले लो, वो आंसर आ जाएगा। अच्छा बट अगर हम ऐसे भी करेंगे तो, अगर छोड़ मैं सकते ऐसे हो, छोड़ दूं आंसर, यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ पर छोड़ दो, हाँ मल्टीप्लाई। ओके बच्चों आप लोग बताओ, ये डाउट क्लियर हुआ रिया कि लॉग दोबारा क्यों लिया? तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ m और इस m की पावर n है। अगर ऐसा है, ऐसा कि पूरे के बाहर पावर है, तो ये n आपका मल्टीप्लाई में आ सकता है। देखो दो में डिफरेंस समझो, y इज इक्वल टू दिस और एक हो लॉग m टू द पावर n, दोनों में क्या डिफरेंस? तो इसमें से वेरिएबल के ऊपर पावर है और उसमें पूरे के ऊपर है। इसमें सिर्फ m की, मतलब इसमें log m टू द पावर n पूरे का है, इसमें log m का है और पावर होल की है, ठीक है? इस ये वाले में आप लिख सकते हो ऐसा, ये पावर मल्टीप्लाई में आ सकती है। लॉग के बाद जो टर्म है, अगर उसकी पावर है तो वो पावर आगे आ जाएगी लॉग एम, लेकिन यहां पर पावर कैसे आगे आएगी? लॉग तो है ही नहीं पावर को नीचे लाने के लिए, पावर तो बाहर है, वो लॉग की भी पावर है। यहां पर देखो इसमें क्या था, लॉग एम टू द पावर एन, इस अकेले एम की पावर एन थी, और इसमें लॉग एम फिर बाहर पावर एन है, ये पावर नीचे नहीं आ सकती, ये पावर नीचे आ सकती है मल्टीप्लाई में, ठीक है? बहुत क्लियर है बेटा ये? तो यस सर, यस सर। क्वेश्चन था हमारा कि लॉग ऑफ कॉस एक्स, लो सॉरी लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर कॉस एक्स, तो ये बच्चों ये पावर नीचे नहीं लिख सकते आप, और पावर को नीचे लाने के लिए आपको फिर लॉग लेना पड़ेगा। लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स, आप ये पावर आप मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, इस बाहर वाले लॉग की वजह से, अंदर वाले की वजह से नहीं। सो दिस इज लॉग वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो तो राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट टू लगेगा, लॉग वाई का डेरिवेटिव होगा 1/y dy बाई डी एक्स प्लस प्लस नहीं सॉरी, दिस इज इक्वल टू यहां पर कॉस एक्स एज इट इज, लॉग ऑफ लॉग एक्स का होगा 1/log x इंटू 1/x प्लस, अब लॉग ऑफ लॉग एक्स एज इट इज रहेगा, कॉस का हो जाएगा -sin x। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, वाई को राइट में मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका होगा कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस माइनस सॉरी साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, और वाई की वैल्यू डाल दो। वाई क्या है, ठीक है रिया, क्लियर हुआ बेटा? यस तीस आपका हो गया बेटा कंप्लीट। सर, यस सर। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चे जरा, वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स -2 टू द पावर sin x। बच्चों कैसे करेंगे, रिया बता सकते हो? पर इसमें भी दोनों साइड्स लॉग लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें
बस मेरे को ये डाउट है कि इसमें पूरे का लॉग लेंगे या फिर दोनों में अलग अलग लगेंगे, एक्स पावर माइनस। देखो बेटा, अगर ऐसा हो log ऑफ m, और फिर अगर इसकी कोई पावर n है तो हम इसको n log m लिख सकते हैं। मतलब यहां पर अगर कोई होल पावर होती, ठीक है, तो सबसे एक मल्टीप्लाई तो हम उसको यहां पर लिख सकते थे, लेकिन हम इस n पावर को आगे मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते, इस q पावर को मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, इसको हम सेपरेट भी नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लॉग ऑफ एम टू द पावर एन माइनस लॉग ऑफ पी टू द पावर क्यू, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी लॉग की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि दो टर्म्स के बीच में माइनस हो तो उनपे लॉग सेपरेट हो जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे लिए डायरेक्ट लॉग लेने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर हम डायरेक्टली लॉग लेते हैं, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स माइनस टू टू द पावर साइन एक्स, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इसको ये नहीं लिख सकते लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, ऐसा नहीं कर सकते। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये पावर एक्स मल्टीप्लाई में नहीं लिखी जा सकती। तो डायरेक्टली लॉग लेने का हमारे लिए कोई फायदा नहीं यहाँ पर। क्लियर है कीसा? यस सर। तो ऐसे केस में जब आपके पास वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो, प्लस या माइनस में दूसरी टर्म में भी कुछ ऐसा ही हो, प्लस माइनस में कोई और टर्म हो, वो दूसरी टर्म वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन एक वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल टर्म आ गई बीच में, प्लस या माइनस आ गया, तो आप डायरेक्टली लॉग लेने का आपके लिए कोई फायदा नहीं। फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? जैसे अभी हमारा क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स माइनस टू टू द पावर साइन एक्स। ऐसे केसेस में बच्चों, एक पार्ट को आप यू अज्यूम करेंगे, लेट यू इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, और दूसरे पार्ट को आप वी अज्यूम करेंगे, टू टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, अब यहां पर आप लॉग लेंगे, लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स। पाने आ गया आपका आंसर? यस सर, मैंने 15th स्टार्ट कर दिया, 14th का आंसर मैच कर गया, मैंने आपको वर्किंग भेज दी। ओके, गुड। सो इसमें कैसे करेंगे बेटा हम? वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, सॉरी पहले मुझे ये एक्स लिखना था, लॉग यू इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ एक्स। वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स। तो अगर हमारे पास लॉग ई है तो उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1/e होगा। बेटा लॉग ही एक बात तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो उसका एज इट इज रखते हैं, दूसरी लॉग ई की प्रॉपर्टी, लॉग ई इज इक्वल टू 1। लॉग ई इज इक्वल टू वन, तो उसको बिफोर डिफरेंशिएशन वहां पर वन लिख दो, और मल्टीप्लाई में वन छोड़ हाँ सकते हैं, है तो ना, फिर फर्क मल्टीप्लाई नहीं में पड़ेगा। नहीं भी लिखते तो उसमें लॉग ई को छोड़ दो। इसमें बच्चों राइट हैंड साइड में आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, डी वी अपॉन डी एक्स टू टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग टू, टू टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग टू, फिर पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस एक्स आएगा। ठीक है, ईसा ये क्लियर है बेटा? सर लॉग 2 कहाँ से आया? ए टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स होता है ना बेटा, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, तो गॉट इट गॉट इट। टू टू द पावर एक्स का टाइप बन गया ये, तो इंटू में लॉग टू भी आएगा, यस ए टू द पावर एक्स टू टू द पावर साइन एक्स एज इट इज इंटू लॉग टू, ये इसका डेरिवेटिव है, फिर पावर का करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। रिया कंफ्यूजन?
तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू माइनस वी, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। समझ आया बेटा ये? यस सर। चले आगे, यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे? सो क्वेश्चन 15 हो गया। आंसर आ गया बेटा? यस सर, मैच कर गया। ठीक है, शाबाश, 12 कर दो। 12। सो क्वेश्चन 16 17 18 कुछ समझ नहीं आया, पढ़ के देखे मैंने। पहले 12 करो फिर मैं बताता हूँ। सर इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे क्या? हाँ, इसको फर्स्ट क्वेश्चन की तरह करेंगे बेटा, और पावर को आगे लिख देंगे। करो एक बार, इसको ट्राई करो, बस मैं 1 मिनट में आ रहा। ये हुआ बेटा? यस सर, हो गया। बस इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेने की जरूरत तो नहीं आएगी। नहीं, वो तो बहुत बुरा हो जाएगा बेटा, इतना नहीं करेंगे। खीसा आपका हो गया बेटा? आपका सर मेरा हो गया पर ये आंसर स्टेप से लिखा है मैच ना नहीं आपने? कर रहा। आपने ये वाला स्टेप लिखा है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर, लिखा है। ओके, सो 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स, 2 अपॉन x प्लस 3, 3 अपॉन x प्लस 4, प्लस 4 अपॉन x प्लस 5, और फिर y को राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे और y की वैल्यू डाल देंगे एज इट इज, x प्लस 3 का होल स्क्वेयर, x प्लस 4 की पावर 3, x प्लस 5 की पावर 4 इंटू इंटू 2 अपॉन x प्लस 3, 3 अपॉन x प्लस 4, प्लस 4 अपॉन x प्लस 5। हाँ, आप बताओ बेटा, क्या कह रहे थे आप? तो मेरा यही आंसर आ रहा है, पर ये आंसर और पीछे वाला आंसर अलग है। ओके उन्होंने एलसीएम लिया हुआ है, हम इतना कुछ नहीं करेंगे, बस यही छोड़ दोगे, ठीक सर। है?
उसके जो नहीं है वैसे बेटा ऐसे सम आते भी नहीं है, जब बहुत बेसिक सम आएगा तो एक नंबर का सम आएगा, ठीक है। चलो सिक्स वाला करो जरा, और आई थिंक इतना एक नंबर में करोगे तो 1 मार्क तो इसमें मिल ही जाना चाहिए। अगर इतना करने के बाद कोई 1 मार्क्स नहीं, 1 मार्क भी नहीं देता है, मतलब उसको तो नंबर देने ही नहीं है फिर तो फिर 1 मार्क सही। में तो MCQs ही आएंगे। हाँ एमसीक्यू आएंगे तो मतलब आई थिंक इतना ही यही ऑप्शन में होना चाहिए ऐसा। और अगर कोई एलसीएम लेके ऑप्शन देता है उसने तो भाई फिर सोच रखा है कि बच्चों का ना पेपर पूरा होने नहीं देना, तो उसका तो क्या क्या ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, इतना ही मिल जाएगा आपको। अगर एमसीक्यू में भी होगा तो इवन ये 2 मार्क्स में भी होगा तो इतना सफिशियंट है। जब किसी ने घर से ये सोच के चले हो कोई कि हमें तो मार्क्स देने ही नहीं है, फिर तो भाई कोई कितना कुछ भी लिख लो आप, तो हो है क्या बेटा? गया ये वाला हो गया, 6 वाला। थोड़ा यस। मैं भी आंसर चेक करती हूँ। तो ज्यादा जल्दी नहीं कर दिया आपने, सही है, मैंने सही है, शाबाश, नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। डायरेक्टली वो लॉग ले लिया था और फिर साथ साथ ही कर दिया था, तो इसमें सेपरेटली लॉग लिया है ना यस बेटा? सर सेपरेटली लॉग लिया है, बट मैंने ऐसे ही कर लिया, मैंने यू और वी नहीं माना। मतलब दिखाना एक बार फोटो भेजना। सर मैं आपको फोटो भेज, की साफ करो बेटा इसको आगे, यहां यस तक कर लिया आपने? यस सर। बच्चों ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, अच्छे से करनी है, ठीक है। सर मेरा आंसर गलत है, मैंने पीछे से गलत वो देख लिया। बिट्टू हाँ गलत है आपका सुन, बिट्टू सर बट हम इसमें डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते? अभी बताया था ना बेटा मैंने पिछले वाले में, जब बीच में प्लस आ जाता है तो यही रीजन, देखो ये वाला अच्छा कि आप इस पावर को आगे मल्टीप्लाई में नहीं लिख सकते, ठीक ओके है ना, और ना ही इस पे लॉग को सेपरेट कर सकते हो, यूवी ही लेना होगा इसमें। तो ये याद रखो कि जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल के बीच में अगर प्लस माइनस आ गया तो डायरेक्टली लॉग लेने का आपका कोई फायदा नहीं है, यूवी लेके ही करना पड़ेगा आपको। कि आपको समझ आया बेटा मैंने जो किया, कहाँ यस सर। तो तक हो गया आपका? जहां तक आपने किया है वहां तक हाँ अब यू की वैल्यू डाल दो, ये एक्स ऊपर चला जाएगा, यू की वैल्यू डाल दो पहले तो। और ये जो एक्स है ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा x² + 1 * x² - 1 / x² + log(x + 1)x। x² से x² को कट कर देंगे,
आपका क्वेश्चन 12 हो गया, आंसर मैच कर गया, भेज दिया मैंने आपको वो के। हाँ 12th हो गया। अच्छा आपका हो गया यहाँ तक ये? यस सर। अच्छा आप सेकंड पार्ट को करके दिखाओ बच्चों एक बार जरा, उसमें भी आपको लॉग लेना है। हो गया पानी? गुड, वेरी गुड। आंसर चेक कर लिया ना बेटा? यस सर, सही है। गुड। और इस बार मैंने उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी ले लिया था डायरेक्टली। हाँ हाँ वो लेना होता है बेटा। हाँ जी, अब बाकी सिक्सटीन बता वाला दो। करो बेटा, 16th वाला करो। फिफ्थ समझ में आया वो। की क्वेश्चन की तरह करना है बेटा, पहले डेरिवेटिव निकालो आप, फिफ्थ क्वेश्चन की तरह करना है। तो उसमें लॉग लो ना, बट फिर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? 1/fx इंटू एफ डैश एक्स, उसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 1/fx इंटू एफ डैश एक्स। एफ एक्स इज लाइक वाई, सर वी का हो गया शायद। वी का हो गया। वी का आपका डीवी अपॉन डीएक्स आना चाहिए, आपका डीवी अपॉन डीएक्स एक्स टू द पावर 1+1/x इंटू, ये आपका होना चाहिए x+1/x² तो हो गया, मैंने पीछे आंसर मार्क कर लिया। -1/x² इनटू लॉग ऑफ एक्स। कुछ ऐसा आंसर आ रहा है क्या बच्चों? हाँ यस सर, मैंने वो एलसीएम भी लिया था, x² वाला। ये सेम आंसर है। यस सर, बस एलसीएम नहीं लिया था। ये आना चाहिए डीवी अपॉन डीएक्स। यस सर। उसके बाद वाई, हमने हमारा क्या था, वाई इक्वल टू यू प्लस वी था। सॉरी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा हमारा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज यू। यू क्या है? तो यू इज एक्स प्लस 1/x टू द होल पावर एक्स, एंड देन x² -1 x / x² x²-1/x²+1 प्लस log x + 1/x। log x+1/x प्लस में dv अपॉन dx है बच्चों हमारा, x^1+1/x, x+1 - दिस। करेक्ट, तीसरा हो गया यहाँ तक। सर हो गया। सेवंथ वाला ट्राई करो बच्चों जरा। सर इसमें भी यू यू और वी लेंगे। बिल्कुल यू भी लेना पड़ेगा बेटा, दोनों वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल टर्म है, बीच में प्लस का साइन है। देखो बच्चों ऐसा एक बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत सालों से मैं बच्चों को हमेशा ही कहता हूँ कि जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल आए तो डायरेक्टली लॉग नहीं लेना। और हर बच्चे का एक एग्जाम ऐसा होता है जिसमें वो डायरेक्टली लॉग लेके आता है, हर बच्चे का एक एग्जाम ऐसा जाता है जिसमें वो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लॉग लेता है। और एक बात आपको बताऊं, द नेक्स्ट एक बार ये गलती आप भी करेंगे एग्जाम में, ये मैं नहीं कह रहा, ये पास्ट एक्सपीरियंस कह रहा है, बेटर है आप ना करो, ये बात ध्यान रख लो तो बहुत अच्छी बात है।
बट अब तक बेटा ऐसा होता है कि 99.9% बच्चे ये गलती बताने के बाद भी करते हैं एक बार तो। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि ऐसा बच्चे बताने के बाद भी करते हैं, ये भी मैं हर क्लास में बताता हूं, सिर्फ पान्या को नहीं बताया था मैंने पिछली बार, आज पान्या को भी बता दिया है। और इतना कहने के बाद भी बच्चे एक बार जरूर गलती करके आ जाते हैं। देखते हैं आपके केस में क्या होता है। को उस तरफ लेके मल्टीप्लाई करने जाऊं तो वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं हो जाएगा। मैंने आपको भेजा है। लिखना तो बेटा पड़ेगा क्योंकि आपको एक्स को 1 भी डालना है। नहीं तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करूं, फिर वो ऐसे ही छोड़ दो और उसके बाद 1 डाल दूं बस एक्स को। तो F1, फिर आप ऊपर से F1 निकाल लो, टॉप से आप पहले F1 निकाल लो। नहीं, तो फिर मैं एफ डैश एक्स को उसको मल्टीप्लाई दिखा दूँ बट करूँ नहीं ब्रैकेट में, और हाँ करो जब मत, F-X लिख दो वहां पर, और टॉप से आप F-1 की वैल्यू निकाल लो, टॉप से फर्स्ट स्टेप से। अच्छा आप ओके राइट में सिर्फ F-X लिख दो, वैल्यू में डालो F-X की, ठीक है, हाँ मैं कह रही हूँ, और फिर सीधा 1 डाल के पूरा सॉल्व कर दूँ। ऊपर से F1 की वैल्यू निकाल के सीधे वहां वैल्यू डाल देना। ठीक है यहां तक हो गया बच्चों आपका? यस सर। सर यू और वी का डेरिवेटिव निकाल लिया पर पता नहीं सही है या नहीं। यस सर, मेरे को भी समझ, पीछे भी रह कितने डिफरेंट आंसर है, मैंने चेक किया था। 1 मिनट दो फिर बेटा। यू की वैल्यू क्या थी ये वाला चेक करो आप, ये आया आपका की यस सर ये सही है। सा, यस सर ये आ ये गया। ठीक है। वी वी क्या है बेटा? प्लस होगा नहीं? हाँ ये प्लस हो गई, ये प्लस भी है, ये मेरा थोड़ा छोटा लग गया, मतलब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। वी है आपका, वी इज इक्वल टू व्हाट? एक्स टू द पावर लॉग ऑफ एक्स, लॉग वी इज इक्वल टू क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स। ये समझ आया आपको, लॉग ऑफ लॉग ये कैसे आया? यस सर आपका भी यही है, यस सर आप इसको ऐसा लिख लो, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वेयर। आपने ऐसा नहीं लिखा तो प्रोडक्ट रूल लगाया फिर आपने, प्रोडक्ट उससे भी आ जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको अभी। 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू log x इंटू 1 बाई x, ये होना चाहिए। तो dv बाई डी एक्स आपका आएगा, v को उधर लेके जाएंगे आप, एक्स टू द पावर लॉग एक्स इंटू 2 log x अपॉन में x। देखो एक बार देखना बेटा, दोनों बच्चे इधर देखो, इस एक्स से आप एक एक्स की पावर लॉग एक्स है और नीचे एक एक्स है, ये एक्स की पावर लॉग एक्स है और ये एक्स की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक्स टू द पावर लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 लिखोगे इसको आप, इंटू में ये 2 में बिगनिंग में लिख देता हूँ, इंटू में लॉग एक्स। क्या ये आपको समझ आया यस सर यस किस आपको सर आया बेटा? तो ये आना हाँ चाहिए यस था आपका dv अपॉन डी एक्स। और अगर आपने डायरेक्टली ये इस पे होल स्क्वायर नहीं लिखा तो फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लॉग वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस इंटू लॉग एक्स, तो फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, 1 अपॉन v dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स एज इट इज, एक एक लॉग एक्स एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा, प्लस में अब दूसरा लॉग एक्स एज इट इज,
पहले वाले लॉग एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो वन अपॉन एक्स आ जाएगा, सो डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, वी उधर चला जाएगा, ये दोनों टर्म सेम है बेटा, ऐड हो जाएंगी, तो इसको आप लिखोगे टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। देखो वही आ गया, वी की वैल्यू डाल देंगे, एक्स टू द पावर लॉग एक्स, टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स टू द पावर लॉग एक्स माइनस वन इंटू टू लॉग एक्स, यही आपका आंसर आएगा। अब दोनों वैल्यूज को वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, डाल दो यहाँ पर वैल्यूज। पानी आपका आंसर आ गया बेटा? यस सर 120 और पीछे से मैच भी करता हूँ, मैंने आपको बोल रही हूँ। ओके बेटा, हमने 10th और 11th नहीं करे हैं जहाँ तक मुझे याद है। हाँ वो भी कर देते 10th 11th कर दो। हैं। बच्चों आप भी डाल के इसका अपना आंसर मैच करो। हाँ गया ओके नेक्स्ट है वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स, तो मेरी बुक में डिफरेंट क्वेश्चन। सर ये अच्छा 10th क्वेश्चन हाँ मैंने 10th लिख दिया। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स फर्स्ट पार्ट में तो वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, सेकंड में नहीं है, तो सेकंड में आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं होगी, बट यू और वी तो फिर भी हमें लेना ही पड़ेगा। लैपटॉप बंद कर दो। सर ये आया बेटा? वी क्या है? की साइज का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? तो इसका होगा लॉग की तो इसमें वन जरूरत नहीं है, ठीक है? वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स। हाँ रूट एक्स का स्क्वेयर करेंगे तो एक्स बन जाएगा बिट, हाँ रूट एक्स का डायरेक्टली दोबारा मतलब रूट एक्स का भी करना पड़ेगा। हाँ वन अपॉन टू रूट एक्स। हाँ तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो वन अपॉन टू, इन दोनों पे इकट्ठा रूट लगा दो और इस एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हो सकता आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है डाल दो वैल्यू, वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। पानी हो जाएगा बेटा? अरे सॉरी एक सेकंड। छुट्टियां हमारे सही काम आ गई है ना पानी? नहीं तो ये सिलेबस 30th अप्रैल तक मतलब 30th मार्च तक भी खत्म नहीं होना था।
सर हो गया, हो गया, आंसर मैच कर लो बेटा। यस सर सही है। ठीक है, शाबाश। रिया आपका हो गया बेटा, ओके नाइन स्टार्ट कर दो। तो जो 10th क्वेश्चन है उसमें जो हमारा वी बनेगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर -1, तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन टूल लगा दो ना हाँ, उसमें उसमें। लॉग लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन टूल लगा दो। ठीक है लॉग भी ले भी लोगे तो गलत नहीं आएगा आंसर, बट जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर दो, छोटा सा ही समय। किया, फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। सर यूवी दो निकल गया, बस ऐड करना है। ठीक की सर, सॉरी मैंने किया बोला। सर हो गया, पीछे से मैच कर लिया। गुड, मेरा सही है, मेरा चेक करो जरा। यस सर सही है। ठीक ऊपर वाला अपने के साथ मैच करो, डी बाई डी एक्स। आपका सेम आ रहा है, कुछ अलग है? हमारा चलो तो अब ऐड करके लिख देंगे, है ना। नेक्स्ट स्टार्ट कर दो बेटा, रिया कौन से सम पे हो? तो बस ये ऐड ही करना रहता है। टेंथ 9th वाले में या 10th में? में अच्छा, लिख दो बेटा। सो मैंने आपको भेज दिया 10 सॉल्व करके, आंसर मैच करके। हाँ आंसर मैच हो गए बेटा। जी, अब 11 कर दो। हाँ, 11th कर दो बेटा।
टेंथ वाला क्वेश्चन करो बेटा, थक गए क्या रिया, थक गए? नो सर। गुड, पानिया पानिया लग रही, थक गई है ना, बस थोड़ी देर में, थोड़ी देर और कर लो फिर चलते हैं। सर मेरा dv बाय dx मैच कर रहा है पर du बाय dx मैच नहीं कर कौन से रहा। क्वेश्चन में बेटा, 10th के 10th में आपने लॉग लिया है क्या? एक बार भेजना, सेकंड पार्ट का फोटो भेजो मुझे, नंबर है ना तो आपके पास? नहीं सर, आप कर लो, मैं मैच करती हूँ उस फिर ग्रुप में डाल कॉन्फ्रेंस दो, में सर। उस ग्रुप में फोटो खींच के डाल दो, मैं देख लूंगा। मैंने सर आ गया समझ क्या गलत किया तो। अच्छा सो एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक बार बता दो। एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव बेटा दो तरह से, या तो आप लॉग लॉग आपके पास है, या तो लॉग एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स लिख लो उसको, नहीं तो एक्स कॉस एक्स पे फिर प्रोडक्ट टू लगाओ। अच्छा हाँ, तुम ऐसे लॉग लिख सकते हो। ओ मैंने वो नहीं किया, एक सेकंड, वो बेटर होगा, ऐसे कंफ्यूजन हो गया। वी में बच्चों क्वेश्चन टू लगा सकते हो आप डायरेक्ट, आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं है। आपको इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाता है स्कूल में? हरमीत कौन है उनका नाम? तीनों को, तीनों एक ही सेक्शन में हो? नो सर, नहीं, वो और सबके टीचर सेम है क्या? मेरे को नेहा मैम आती है सर, नेहा आगे क्या लगाती है नेहा मैम? वो नहीं पता। अच्छा, एक पहले आपकी एक मैम थी, मतलब स्कूल में, आपके स्कूल में थी, उनका नाम भूल गया मैं, सर आंसर मैच कर रहा है। यादव है वो, बॉयकट रखती है शायद, बॉयकट या पता नहीं कुछ ऐसा, इकोनॉमिक्स का। अब तो पता नहीं आपके स्कूल में है भी या नहीं, मेरे को काफी टाइम हो गया गलती। यहाँ पर क्या था? x² -1 है, इट इज x। आगे आंसर आ गया इसका, आ गया सर। ये आया है क्या यस या सर। कुछ? ठीक है, दोनों को प्लस करके लिख दो, दोनों को प्लस करके लिख दो बच्चों। सर 11th में दोनों में लॉग लेंगे ना?
हाँ इलेवेंथ में दोनों में लोग लेंगे बच्चे, मैं करवाऊंगा इलेवेंथ, रुक जाओ। ये यहाँ तक हो गए बेटे, अब ऐसा हो गया। कर दें इलेवेंथ स्टार्ट कर दें, बस आज इलेवेंथ तक ही करेंगे, इलेवेंथ तक करके फिर आपकी छुट्टी। बाकी तो आप मैं आगे डी यू बाई डी एक्स तक निकाल लिया हूँ कौन से क्वेश्चन बेटा? अच्छा 11th आंसर पीछे से डी यू बाई डी एक्स का मैच कर लो, मैच कर लो। बच्चे इसको आप या तो ऐसे ही रख सकते हो या लॉक को सेपरेट भी कर सकते हो। पाने आपने कैसे किया है, लॉक को ना, सेपरेट करके किया है? हाँ लॉग सेपरेट कर दिया पर पीछे से आंसर नहीं मैच हो रहा। अच्छा लॉग एक्स सेपरेट, मिसिंग तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स सो 1/u यू मल्टीप्लाई कर दिया सो डी यू बाई डी। अभी मल्टीप्लाई मत करो, डेरिवेटिव करने के बाद करना। एक्स एज इट इज इसका हो जाएगा 1/x प्लस लॉग कॉस एक्स आएगा 1/cos x इंटू में माइनस साइन एक्स तो प्लस टेन प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ये समझ आया बच्चों? ऐसे किया नहीं बट ये तो कर लिया आपने कैसे किया है? मैंने एक्स मल्टीप्लाई कर दिया था एक्स लॉग एक्स फिर वो एक्स लॉग कॉस एक्स बन गया तो एक्स लॉग एक्स में प्रोडक्ट रूल फिर एक्स लॉग कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल तो उसमें आपको डबल टाइम प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा ना बेटा, लंबा हो जाएगा। वैसे हाँ लंबा हो मत करो, ऐसे आंसर पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई वापिस सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा। यस आप उसको चेंज कर लो यहाँ से, ठीक है ना? यू हमारा है एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स। अब इस एक्स को अंदर लेके जाओ तो ये 1 आ जाएगा, माइनस में 10x आ जाएगा। x होगा ना सो x एक्स को अंदर लेके x 10x, सॉरी x 10x प्लस में हाँ इसको वापस क्लोज कर दो बच्चों, इसको वापस क्लोज कर दो, लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स लिख दो इसको। ये आ रहा है क्या पीछे? मेरा वो वाला टर्म आ गया और मैंने उसे क्लोज नहीं करा तो वो लॉग एक्स और लॉग कॉस एक्स है कोई बात नहीं, नहीं क्लोज करोगे तो वो भी ठीक है। हाँ तो मैच कर बट पीछे कुछ और है पीछे उनका साइन भी है नहीं यही है बेटा, एक सेकंड तो मैंने कुछ और देख लिया क्या वो वी वाले पार्ट में है साइन। ओ अच्छा फिर मेरा मैच कर गया सर हाँ तक ठीक है अब ये वाला करो बच्चों, लॉग वी रेज टू पावर 1/x आगे आ जाएगा। करो जरा इसका लॉग वी, पहले इसको सेपरेट कर दो। log v इज इक्वल टू 1/x log ऑफ x प्लस में log ऑफ साइन x, सेपरेट कर लो। अब डेरिवेटिव करो, ब्रैकेट ओपन मत करना, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो अब यहाँ से।
देखो जरा ये आ रहा है। यस सर, रिया आपका आया बेटा ये? यस सर, दिस इज लास्ट स्टेप पे ही कर दो। कीसा आपका कहाँ तक हो गया? हो गया सर, बस ऐड करना। ऐड कर दो बच्चे दोनों को। सर एनसीईआरटी में जो सेकंड डेरिवेटिव है उसमें एलसीएम लिया हुआ है, उन्होंने एलसीएम लिया हुआ है सेकंड वाले पार्ट का। कोई हम ऐसे छोड़ दे तो चलेगा ना? दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हो, बस सेम सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर छोड़ दो या लास्ट वाले का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो वही आ जाएगा बस। ठीक है, और पढ़ोगे आप? बंद करें। सर बस रिया कह रही है छोड़, सर एक दो सम और कर लेते हैं, है ना रिया? कर चलो रहने देते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हमारा यहाँ तक हो गया है, इसमें हमारे 4-5 सम रह गए हैं लास्ट वाले में 5.5 के। नेक्स्ट क्लास कब करेंगे हम? पर कल नहीं सर, कल कोचिंग होती है तो कल सुबह नहीं पॉसिबल, कल ओके मेरी देन दोपहर में होती है, कल दोपहर नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट कब रहेगी हमारी क्लास? मंडे को तो आई थिंक सैटरडे पूरे करते ग्रुप हैं, वाली मैंने ही लेनी है, तो मंडे को तो वैसे भी नहीं हो पाएगी। संडे को कर लो। सैटरडे आपकी जो मैट्रिक्स वाली क्लास है, मे भी मंडे को मैंने ही लेनी है, तो सकते हैं सर, मेरी लाइक सैटरडे संडे 10 to 1 होती है कोचिंग, तो उसके बाद 10 to 1। ओके, मैं एक काम करूंगा, पान्या कल आपकी क्लास है ना, वो वाली करनी है नहीं करनी है? कर लेंगे। बताओ फिर तो मेरा, मेरी तो ये खत्म हो गई, मेरी सिर्फ मिसलेनियस बची है अब, और इसके आप, सेवन हाँ, आपकी तो डे मिसलेनियस बची है, इनका बस ये लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन बचा है प्लस मिसलेनियस बची है ना। आप बताओ चलो फिर मैं राजेश क्या सर से बात करके टाइमिंग्स बता दूंगा आपको फिर, है ना? सर। कल नहीं हो पाएगा, पर कल मेरी नहीं, टू टू मोस्ट सेवन प्रोबेबल कल क्लासेस परसों में सैटरडे संडे में नहीं रखेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे में मेरे पास भी ज़्यादा क्लासेस होती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल रहेगा कि कल कल और संडे, तो मंडे तो मतलब नहीं होगी, मतलब सैटरडे संडे में तो नहीं होगी, तो बाकी मैं आपको कन्वे कर दूंगा, नहीं तो हम मंडे वाले कल बैच में। फिर हमारी नॉर्मल हाँ, क्लास। आपकी आपकी होगी पाना कल वाली क्लास। ठीक है सर, ठीक है बच्चों, ओके सर, थैंक यू, हैव अ ओके, नाइस बाय डे। बाय थैंक बेटा, यू सर, बाय सर। बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू।